चुनावी बिगुल तो नहीं बजा, लेकिन आगामी 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टी दल के लोगों ने अपनी कमर को पूरी तरह से कस चुके हैं। आपको बता दें कि अब हर क्षेत्र, हर इलाके में एक विकास का मंच लगाया जाएगा, जहां जनता के बीच में विकास की बातें की जाएगी। खैर, हम आपको ले चलते हैं वार्ड नंबर 12 मुमताज नगर की ओर, जहां पर विशेष तौर पर MIM भिवंडी शहर पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम हम आपको बता दें कि परिवर्तन संकल्प सभा। इस सभा में लगभग हजारों की संख्या में स्थानिक उपस्थित होकर MIM पार्टी के ज्येष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को सुनने पहुंचे थे, जहां इस मंच से विकास की कई बातें की गई और कई ऐसे विकास के एजेंडा MIM पार्टी जो है भिवंडी शहर के लोगों के बीच में ले जाने वाली है, वह खैर हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर ज्येष्ठ समाज सेवक मुमताज अंसारी और गुलाम मुस्तफा के साथ में युवा नेता फुजैल शेख अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में MIM पार्टी में शामिल हुए। विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिवंडी शहर MIM पार्टी के कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी, हमजा सिद्दीकी और कई समर्थकों का विशेष स्वागत सत्कार भी इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा किया गया। हमारे चैनल की टीम से बातचीत के दरमियान सदाब उस्मानी ने विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के मुखिया अबू आसिम आजमी पर निशाना साधा और आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति MIM द्वारा की गई है उसकी जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस खबर के प्रायोजक हैं दिल्ली दरबार ढाबा। दिल्ली दरबार ढाबा अपने बेहतरीन खाने के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ में आपको यहाँ बेस्ट सर्विस भी मिलेगी। यहाँ दूर दराज से लोग बेहतरीन खाना खाने के लिए आते हैं, तो आप भी आइए और अफोर्डेबल प्राइस में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। एड्रेस चाविंद्रा नासिक हाईवे भिवंडी। मैं अपने सदर सदर भिवंडी शहर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ में आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो भारी से भारी में अब शामिल हुए हैं और आज मैं MIM पार्टी में शामिल हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको देखते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। देखिए, इस शहर की जनता ने, खास तौर पे जो गरीब जनता है जो झोपड़पट्टी में रहती है, इन सभी ने महसूस कर लिया है कि जब से भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका बनी है, हमने कांग्रेस को आजमाया, NCP को आजमाया, समाजवादी को आजमाया, सभी जनता ये जानती है कि आजमाने के बाद ये BJP को वोटिंग करते हैं और खुद का फ़ायदा देखते हैं। आप देखिए कि भिवंडी शहर में अधिकतर इलाकों में सड़क नहीं है, शांति नगर में गायत्री नगर इलाका इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पर आज भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पानी ही नहीं आता। पानी आता है तो रात में 3-4 बजे आता है, तो कॉरपोरेटर की उपलब्धि क्या, ये जनता जान चुकी है। सड़क नहीं, पानी नहीं, गटर नहीं, गटर है तो चेंबर नहीं, ये जो हालात कॉरपोरेटर ने क्रिएट किया है, अपने तो बंगले बना लिए, अपने तो घर बना लिए, लेकिन पब्लिक को आम सहूलियात से वंचित रखा, इस बात की जनता दखल ले रही है। मतलब इस विश्वास के साथ लोग MIM के हर प्रोग्राम में उमड़ के आ रहे हैं और बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की बेबाक क़यादत को कबूल कर रहे हैं। मतलब ये सारे विकास के एजेंडा को लेकर MIM जो है चुनावी मैदान में। देखिए, हमारा एजेंडा एक ही है कि आम सहूलियत जो जनता को नहीं मिली है, सड़क, पानी, रोशनी, तालीम का इंतज़ाम, सेहत का अच्छा इंतज़ाम, ये MIM की पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जो विकास का जो धोरण हमने देखा है कि शहर में 2-3 वार्ड है जहाँ पर बच्चों के लिए वर्किंग स्टेशन है, वर्जिश क्लब है, ग्राउंड है, खेलने का मैदान है, नानी नाना पार्क है, ये 2-4 ही वार्ड है। वार्ड कितने शहर में एट प्रेजेंट? 24-23, 101 होने जा रहा है। तो ये जो शहर है हमारा, जो तरक्याती बुनियाद जो है हमारी, तरक्यात की जो बुनियाद है, उससे बहुत कोसों दूर है और MIM एक उम्मीद की किरण है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड नंबर 12 के जो कारकुनान ने पिछले कुछ सालों में मेहनत किया है, उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि बहुत से माजी नगर सेवक पार्टी में आ रहे हैं। एक बेहतरीन बड़ी शख्सियत, दो बुज़ुर्ग हमारे बीच में मौजूद है, मोहतरम मुमताज अंसारी साहब, मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इनकी क़यादत में इस वार्ड की एक बेबाक क़यादत, एक नौजवान उभरता चेहरा फुजैल अहमद की शक्ल में आज हमारे बीच में पार्टी में शामिल हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये सारा जो परिवार MIM का जो पहले से है यहाँ पर, सब मिलजुल कर इस वार्ड में एक नई कल्पना रखेंगे, नगर पालिका के चुनाव में एक नई कल्पना रखेंगे, एक नया उम्मीदवार देंगे, एक नई उम्मीद देंगे, एक नई धोरण देंगे।
आपने अपने भाषण में कहा कि अब वो आदिम आदमी जो है नारे तस्वीर अल्लाह को लेकर काफी बयान का जो है सोशल मीडिया पर छात्र जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहाँ पर चुनावी एजेंडा बन गया, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अफसोस का मुकाम है, जो आदमी खुद मुस्लिम क़यादत के नाम पर चुनकर आता है वो आज उत्तर प्रदेश में अपना दोहरा रूप पेश कर रहा है, एक गिरगिट की शक्ल कि उत्तर प्रदेश में वो आदमी बोल रहा कि मुसलमानों की क़यादत मुसलमान हो ही नहीं सकती, हमारी मुसलमानों की क़यादत हिंदू है, और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के क्या जो हमारा नारा है ये उमूमन आज़ादी से पहले हमने आज़ादी के टाइम, आज भी जंग में हमारा मुसलमान नौजवान जो है बॉर्डर पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के पाकिस्तानियों से लड़ता है, उनकी फ़ौज से लड़ता है, चाइना की फ़ौज से लड़ता है, इस नारे के वो नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये नारा लगाने वाले नारे तकबीर नारा लगाने वालों ने तेजस्वी यादव को हराया और अब अखिलेश यादव को हराएंगे, ऐसी बातें जो वो कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि वो आज मुल्क के एक संविधान को नहीं मानते हुए एक नई कल्पना रख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात होगी। आज अबू यादव जी जो है ये बात जो कर रहे हैं इसमें जैसे हमारा इल्ज़ाम